नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ओके क्रेडिट में। और ओके क्रेडिट किस प्लेटफॉर्म के जरिए आज फिर हम आपको एक बिजनेस के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि ये बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। और अगर आप ये बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको कम से कम कितना पैसा लगाना पड़ेगा ताकि आपको लॉस का मिनिमम रिस्क हो और साथ ही साथ प्रॉफिट आपको आने लग पड़े। तो आज जिस बिजनेस की हम बात करने जा रहे हैं वो है स्टील एंड वुडन इंडस्ट्री का बिजनेस। इसके तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं थे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए और साथ ही साथ आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं कि आप किस तरह के वीडियोस आगे देखना पसंद करेंगे। बात करते हैं यहां के ओनर से। सबसे पहले तो आपका नाम? राजन खोसला। राजन खोसला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे ये जानना चाहूंगी इस बिजनेस में आपको कितने साल हो गए? मिनिमम 20 साल। जीरो से शुरू हुए थे जी और यहां तक पहुंचे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो थी, ये रोजगार युवकों के लिए थी। कॉलेज से निकले थे हम लोग तो प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस टाइम 1,00,000 रुपया मिलता था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में, और उसमें 5% सब्सिडी मिलती थी। ये उससे शुरू किया हुआ है जी हमने काम। उस टाइम तो 1,00,000 से शुरू किया था। अच्छा। और आज एक करीब जो है अभी 90-95 लाख रुपये की हमारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है जी इसमें। अच्छा, मशीनरी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया? अभी किया 2 साल पहले हमने इसमें 50 लाख रुपये। उससे पहले तो छोटा ही काम था हमारा। अच्छा। भी जो लोकल थे, जो छोटे छोटे थे हमारे, लकड़ी वाला ये काम था, जो लोकल मशीनरी थी वो उसमें लगाया था हमने। जब पहले शुरुआत की थी हमने जो 6 लाख रुपये लगाया था। 6 लाख से शुरुआत की। और आज कितना का टर्नओवर है? टर्नओवर तो वही है 1 करोड़ के करीब करीब। अगर इस हिसाब से पूरा प्लांट लगाना हो फिर तो पैसे चाहिए। बिल्डिंग का खर्चा ही बहुत ज़्यादा है। अगर फर्नीचर वाली लाइन पे जाना तो उसमें पहले तो बिल्डिंग चाहिए, पर मिनिमम जो है अभी 10 लाख से शुरू हो सकता है ये काम। इंडस्ट्री जो है जी 2-3 साल तो मांगती है भी पहले मेरे को पैसा लगाओ, उसके बाद आप सोच सकते हैं मैं कुछ इसमें कमाऊँ। अगर आप सोचो कि मैंने 20 लाख रुपये लगा दिए और मैं 50,000 रुपये कमाने लग पड़ा हूँ, फिर तो वो भूल है आपकी। क्योंकि इंडस्ट्री है ये तो, बस जितना पैसा लगाते जाओ पैसा लगाते जाओ, ये तो कुआं है, जितना मर्जी इसमें डालते जाओ। कोई खास लोकेशन का रहता है कि इसी लोकेशन पे आपको ये इंडस्ट्री खोलनी है पॉल्यूशन की वजह से या किसी और चीज़ की? नहीं, इंडस्ट्री रिया है इसमें तो सारा, फिर वन टाइम सारा कुछ मिल जाता है हमारे को। प्लाट मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ज़मीन मिल जाती है सबसे पहली बात तो ये है। रेट उसके बड़े रिजनेबल होते हैं, फिर अपनी बिल्डिंग बना लो, बाकी सारा कुछ मिल जाता है आपको। पानी है, सीवरेज है, बिजली है, ये सारा कुछ आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है इंडस्ट्री रही होने की वजह से। अच्छा। किसी तरह से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है इस इंडस्ट्री को लेके? बिल्कुल, DIC है हमारी, उसमें रजिस्ट्रेशन होगी पहले आपकी। तो सारा आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका सारा काम चलेगा जी। अब तो ऑनलाइन हो गया सारा कुछ, हमारे टाइम तो सारा मैनुअली था। किसी तरह का लाइसेंस? हाँ, इसमें पोल्यूशन चाहिए होता है। लाइसेंस जो DIC की इनकी गाइडलाइंस होती हैं वही देते हैं, इशू करते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन होती है हमारी, बस वही लाइसेंस है हमारा जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है हमारे पास, क्योंकि गवर्नमेंट की जगह होती हैं ये, लीज पर मिली होती हैं तो इसकी जगह हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी सिर्फ पॉल्यूशन का होता है, वो पॉल्यूशन मिल जाता है। जो नए मतलब इनिशियली जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए क्या राय देना चाहेंगे किस तरह का बिज़नेस शुरू करना चाहिए? सीजनल है बिजनेस का नाम ही रिस्क है, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो बिजनेस कैसे करोगे? और हमारा काम तो है ही लग्जरी आइटम है, सीजनेबल है, काम तो करना चाहिए। काम तो पीछे से डर गए तो फिर काम क्या करोगे आप, फिर बिजनेस क्या करोगे? तो कितना पैसा जेब में होना चाहिए इस बिजनेस को शुरू करने? मिनिमम 20-25 लाख रुपये। तो आप डील करते हैं कई दुकानदारों के साथ? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हम लोग, तो डील तो हमारे को करना ही पड़ेगा। कैसे? नहीं, हमारी मार्केटिंग है अप टू हमारा जिंदनगर तक का माल बेचते हैं, 3 हमारी सप्लाई है, डीलर्स हैं हमारे, 30-40 बंदों के साथ जुड़े हुए हम लोग। चलिए, अब जाते जाते आपसे एक आखिरी टिप लेना चाहूँगी बिजनेस को लेके। टिप तो यही है बस, ईमानदारी से काम करते जाओ और बस, बाकी थोड़ा सा किस्मत भी चाहिए होती है, थोड़ा सा अपना पूरा 100% बिजनेस में चाहिए तो आपकी सक्सेस साथ है आपकी जी। तो चलिए, ये था इस इंडस्ट्री का पूरा लेखा जोखा और तमाम बारीकियों को हमने समझने की कोशिश की। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली बार फिर से नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।
आपके बिजनेस का सच्चा साथी।